सारे ज़ॉम्बीज अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ। ज़ारा भागती हुई आएगी और इस ताबूत में आकर छुप जाएगी। ओके क्लियर, स्टैंड बाय, रोल कैमरा, एक्शन। गुंडे आओ, बंद करो ये धुआं। अरे इतना धुआं नहीं चाहिए, पूरा शॉट खराब कर दिया। हाँ? ये कॉफिन कहां गायब हो गया? क्या अभी नए गांव से अब कहां चले गए? अभी ट्रैकर दिखा रहा था यहाँ पे और अभी कह रहे कि अमलदंदा वहां पे। ये तेरी प्रॉब्लम है, फूफे में कोई प्रॉब्लम है? वो लड़की ज़ारा मेरी गिरफ्त में है, उसे बचाने के लिए हीरो आता ही होगा। पूर्णिमा की रात उसके लिए काली अमावस की रात बन जाएगी जब मैं उसे मारकर उससे अंगूठी छीन लूंगा। सारा, इस सीन के बाद तुम्हारा सीन है जिसके लिए हम लोग इतने टाइम से रिहर्सल कर रहे थे। आई नो ये सीन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से रिहर्सल कर लो। अभी तो ये सीन चल रहा है ना? अरे ये तो बहुत वाइड एंगल है, इसमें तो तुम दिखोगी भी नहीं, और अगर लगा तो मैं तुम्हारा बॉडी डबल बन जाऊंगा। What? तुम? Really? हाँ, एक्चुअली तुम्हारी बॉडी डबल नहीं बुलाई है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही लिमिटेड यूनिट के साथ शूट कर रहे हैं, और तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे। ट्राई कर लो, ऐसे क्यूट ही लगोगे। अच्छा प्रैक्टिस करना। क्या एंट्री मारी है हीरो, धमाकेदार। इरादा तो तुझे यहां बुलाकर शिकार करने का था, पर अच्छा है तू खुद शिकार बनने आ गया। सुनो शुक्र के शिकारी, कॉफिन में आया हीरो था, पर जाएगा दंच।
अरे ये कॉफिन कहाँ चला गया? लेकिन उसके अंदर था कौन? जारा मैम तो यहाँ है सर। हाँ जी, अरे ये यहाँ है तो कॉफिन कहाँ गया? चलो कॉफिन ढूंढो, कॉफिन ढूंढो। जरूर उस एलियन का काम है, वो मेरे लिए आया था और अब वीर और कॉफिन गायब हो गए। ओह नो, मेरी वजह से वीर प्रॉब्लम में पड़ गया, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। सॉरी यार वीर, तुझे बिना बताए मैंने तेरे सूट में कैमरा लगा दिया, ये सीक्रेट कैमरा, मेरी तरफ से सीक्रेट एडिशन, ताकि अगर तू गायब भी रहे तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि तू है कहाँ। बंटू भाई मामी जी बुला लिए, जल्दी चलो। हाँ टिकट तू जा। अरे यार अब क्या कर दिया मैंने, किसी तरह फूलन देवी मुझे बुला रही है। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है? ये तो हीरो की आवाज है। आज तो मैं कसम खा कर आया हूँ कि जब तक तेरी छुट्टी नहीं कर देता वापस नहीं जाऊंगा। माय गॉड, हीरो एलियन के साथ लड़ रहा है और किसी ने इसको लाइव फीड पे भी डाला है। कॉफिन, वीर यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या सोच रही है सारा? तुझे वीर और हीरो दोनों के लिए यहाँ जाना ही होगा। ये लोकेशन तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो पास वाली अबैंडन मिल है। तुझे क्या लगा था कि तू जारा को मेरी नाक के नीचे से किडनैप करके लेकर जाएगा और मैं वैक्सीन की लाइन में खड़ा रहूंगा? लगता है तूने हीरो की पार्टी का नया स्लोगन नहीं सुना, जो भी टेढ़े मेढ़े गलत शलत काम करेगा उसको ठीक करने हीरो आएगा। आया तो तेरी मर्जी से है हीरो, पर यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि आज की रात के बाद तेरा कल कभी नहीं आएगा हीरो। मेरे का लोकेशन तो यही था, यहाँ टीला था कहीं आसपास, मुझे वहां कुछ भी करके पहुंचना है बहुत जल्दी। भगवान जी प्लीज वीर और हीरो को सेफ रखना। दो ऑप्शन देता हूँ तुझे डंच, या तो अपना वीजा पासपोर्ट उठा और खुद डिपोर्ट जा शुक्र ग्रह पर, या फिर मैं तुझे इस कॉफिन में पैक करके पार्सल कर दूं सीधा शुक्र ग्रह पर, वो भी बिना ठप्पे के, क्योंकि अभी ये गेम हीरो के हिसाब से चलेगा। इलाका भी तेरा, गेम भी तेरी, रूल्स भी तेरे, पर बाजी दंश की। ये जीत की बाजी वाली बात ना तो मसलों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। हर युग में तो पिटके आए हो तुम लोग, अब कलयुग से हीरो से पिटके जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर लेते हो तुम लोग? क्या कहोगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कि देवता तो देवता इंसानों से भी पिटकर आ गए? तुम अलग लेवल हो तुम लोग यार। बोलता अच्छा है तू हीरो, अब सुन, जाता हुआ वक्त और आती हुई मौत कोई देख नहीं पाता, अब ये रात कितनी डरावनी होने वाली है इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है मूर्ख। ऐसी डरावनी रातों में हीरो क्लबिंग करता है और आज हीरो दंश को डांस कराएगा। नाइस मूव।
अच्छा हुआ कि मामी से पीछा छूट गया जल्द से जल्द। मैं फिर हीरो दंश के सामने, इसका मतलब है उसका गैस सही था। मार मार मेरे शेर और मार। वो तो तूने मुझे आने से मना कर दिया, वरना दो तीन ना मैं भी फटके लगा था उसको। इतना मारा इसी लिंग को, पर फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरे लिए तो हवालात। अबे ट्रैकर बंद कैसे हो गया? हैं? एलियन टेक्नोलॉजी है, खराब तो नहीं होना चाहिए। कहाँ भल्ले पापड़ी चाट खा रहे हो पुपा? तूने कितना पसीना बहाया हीरो, मेरे रक्त की सिर्फ एक बूंद के लिए। तैयार किया, ये तेरा दुर्भाग्य है कि अब तुझे दंश के उस रूप का सामना करना पड़ेगा, और तेरे साथ साथ ये पूरी दुनिया देखेगी कि विनाश कहते किसे हैं। असुरों की शक्तियां आ सकती हैं, पर दंश पहले से ही 100 असुरों की शक्तियों का स्वामी है। लेकिन मैं तुझे अपने विराट रूप से नहीं मारूंगा, तेरे लिए महादंश नहीं, दंश ही काफी है। अबे चल क्यों नहीं रहा? हीरो आवाज कहां से है? कहीं फूफा तो नहीं मचा रहा? अभी चेक करता हूं।
अपना दिल थाम ले बेटा, क्योंकि अब आई दंस की बारी। जोर से पड़ा, क्या हुआ? अब नहीं देगा चुनौती? भाग अदृश्य मानव, भाग। अगर तुझे इतनी आसान मौत दे दी तो अपनी जीत का आनंद नहीं ले पाऊंगा, भाग। एक राउंड जीत के इतना खुश मत हो दंश, रिंग अभी भी मेरे पास में ही है। असुरों की अंगूठी है मूर्ख, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। कोई हीरो शीरो तो क्या, देवता भी आ जाएं तो आज दंश को रोक नहीं पाएंगे। लगता है तू कुछ भूल रहा है दंश। जहाँ तक मुझे जानकारी है, तुम असुरों को ये रिंग भगवान शिव के वरदान से मिली थी, और शिव जी ने बहुत बैंड बजाई थी तुम असुरों की उस महायुद्ध में। शिव जी की कसम, ये रिंग वापस नहीं मिलने वाली है तुझे। तेरे ईश्वर शिव का धन्यवाद जो उन्होंने मायावी अंगूठी को छुआ, और ये सब महादेव के कारण संभव हुआ है। ये क्या? मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं, पर कैसे? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं भी क्यों फील कर रहा हूँ ऐसे? मेरी पावर्स कम हो रही हो? कितना बोल रहा था तू हीरो, तेरी तो बोलती ही बंद हो गई। क्यों ना अब मैं तेरा गला ही दबा दूं? तो वो एलियन है जिसके बारे में लॉन्ग लिव अलुमा बता रही थी, अंगूठी के पीछे है।
हीरो पकड़ लिया। अरे यार थैंक यू भूपे, तू तो पहुंचा नहीं, मुझे पहुंचा दिया। अब इससे पहले ये रिंग को ले, रिंग तो मेरी है। हीरो पकड़ लिया। अरे यार थैंक यू भूपे, तू तो पहुंचा नहीं, मुझे पहुंचा दिया। अब इससे पहले ये रिंग को ले, रिंग तो मेरी है। कहीं दंश और जारा मेरा चेहरा ना देख ले। मरने से पहले अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखा दे। यार ये तो गलती हो गई, कहां छुप गया ये? ये असली शस्त्र से मुझ पर कौन हमला कर रहा है? ए! रुक! आज भागना मत। अच्छा जो कोई भी है, अगर जिंदा बच गया तो तुझसे बाद में निपटूंगा। तू मेरे आड़े आया है मूर्ख। तुम यहां क्या कर रही हो जरा? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और वीर भी यही गई है। वीर सेफ है। वीर कहां? वीर यहां नहीं है, तो तुम्हें इसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब जाओ, उस पीछे के रास्ते से निकल जाओ। पर मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ जरा। मैं भी तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती मेरी वजह से। We are in this together. I trust you blindly. तुम्हें भी मुझे ट्रस्ट करना होगा। जान की चांदनी में ना सही, तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। सारा, तुम्हें पता नहीं है ये एलियन और एलियन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब तुम्हारे पास तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सारा ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर कभी कभी हमें अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। लाइफ में हमें अपनी लड़ाई खुद चुननी होती है, और हमें वही लड़ाई चुननी चाहिए जिसके लिए हम तैयार हों। आई ट्रस्ट यू सारा, पर तुम्हें भी मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। जाओ सारा, और पीछे मुड़कर मत देखना। ओके, आई प्रॉमिस यू जरा, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ उस रास्ते से, जाओ जरा, जाओ। जो अंगूठी उन असरों को करोड़ों सालों से नहीं मिली, वो आज भी उनके हाथ नहीं लगने दूंगा।
मत कायर, हिम्मत है तो सामना कर। ए! ए लड़की, हीरो, तेरी जारा मेरे कब्जे में है। आजा, बारा, बुला अपने हीरो को। हीरो, तू ऐसे नहीं मरेगा। कांच, कांच, छोड़ दे जारा को। अपना चेहरा तो दिखा, अंगूठी चोर। तुझे अंगूठी चाहिए ना? सारा को छोड़ और लेके जाइए रिंग। क्या हो गया? हे भगवान, प्लीज वीर को बचा लो। प्रणाम करो शुक्र, वो अंगूठी चोर मेरे कब्जे में है। आपकी अंगूठी शीघ्र ही आपके पास होगी। Please let hero be safe. वीर, हीरो ने कहा था कि वीर सेफ है, कहीं आसपास ही होना चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज आंसर। स्वीटी, अच्छा हमने पापा के आने से पहले सारा रूम साफ कर दिया। ये हैश ठीक से बंद क्यों नहीं होता है? ओए मीठी, जरा स्क्रू ड्राइवर लेके आना। जी मैम साहब। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है?
हीरा। अरे अब तो हो जा प्रकट। बीच आ गया, सामने आ, फिर से भाग गया वो काया रंगूठी चोर। अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दे अंगूठी चोर। ये रहा स्क्रू ड्राइवर। स्वीटी, ये लड़की भी ना गॉन कैसे वैसे, स्क्रू ड्राइवर मंगवाया खुद ही गायब हो गई, कहाँ गई होगी? ऊपर तो नहीं चली गई? स्वीटी, स्वीटी कहाँ चली गई है लड़की? ये कौन सी जगह है? इतनी मशीन्स इंसानों की तो नहीं लगती। ये कहाँ गई मैं? भैया! बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। हाँ बैठ गया, तू भी बैठ जा। हाँ बाल बाल बचा है तो यार, तेरे को मालूम है मैं कितना डर गया। ये दंजन बाकी एलियन से बहुत ज्यादा पावरफुल है बंटू। अब पर तू देख, तेरा भाई तेरे सामने वन पीस में खड़ा है। बैठ जा, बैठ जा। कैसा लग रहा है? ओ नो, इस दंज के साथ लड़ाई में मैंने स्वीटी मिट्टी का दिया हुआ नजर बट्टू खो दिया यार। कितने प्यार से दिया था उन दोनों ने मुझे। मीठी का फोन। हाँ मीठी। भैया आप कहाँ पे हो? जल्दी आओ ना घर पे। आपको पता है पापा भी नहीं है घर पे और स्वीटी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? मैं भी आता हूँ। क्या हुआ, क्या कर रहा है तू? मीठी का फोन था। अरे पट्टी क्यों निकाल रहे यार, ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ घर। क्या कर रहा है? तेरी चोट, तू पेन में है यार। फैमिली के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ हुआ क्या यार? आई एम श्योर कि दंश ने मेरा चेहरा तो नहीं देखा है, पर अगर 1% भी चांसेस है तो अपनी फैमिली डेंजर में है बंटू। मुझे घर जाकर देखना होगा कि सब सेफ है या नहीं। वीर, भैया पापा ने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए और काम करते ही वापस आ जाएंगे। अकेले किस काम से चले गए पापा? उन्होंने और कुछ बताया तुमसे कि कहाँ गए हैं वो मीठी?
नहीं भाई, अकेले थोड़ी ना गए, वो रॉकी भाई के साथ गए हैं। रॉकी के साथ? हाँ भाई। और स्वीटी? स्वीटी तो अभी यही थी भैया, उसने मुझे बोला कि हैच खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो जैसे ही मैं लेके आई वो थी नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गई होगी स्वीटी भैया। ठीक है तू जा, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। ये स्वीटी बिना बताए कहाँ चली गई, और पापा किस काम से गए, वो भी रॉकी के साथ। शायद सीसीटीवी से कोई क्लू मिल जाए। अबे देख 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 कैसे लहरा रहा है। अबे खंबा टिका के लंबा हो गया है भाई। चल इसको हल्का करके आते। चलो चल माल खाली कर। रुक जा। चल चल माल बहुत है। अबे ओए मेरा फोन और वॉलेट दे दो। तेरा है? हाँ देता हूँ अभी तुझे। अबे ये तो एलियन हो गया लड़। चल 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 मैंने किया है? हाँ मैंने मारा। बंटू पापा भी अभी तक नहीं आए और स्वीटी भी पता नहीं मेरे रूम से कहाँ गायब हो गई है। अरे लैपटॉप कहाँ रखा है? अरे मिल गया लैपटॉप। मैं सीसीटीवी को कनेक्ट करता हूँ इससे, शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ अब तू फुटेज जो है ना सीधा डाउनलोड कर ले लैपटॉप पे। हाँ ठीक है मैं फोन करता हूँ। यान में छिपने की जगह नहीं है, आ जाओ बाहर। दो विकल्प देता हूं, या तो हम बिल्ली चूहे की तरह खेल खेलें जिसके अंत में बिल्ली चूहे को मार देती है, या फिर तुम खुद बाहर आ जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। भैया बचा लो प्लीज।
रास्ता मत दिलाओ मुझे। चलो ठीक है, एक अवसर तुझे और देता हूं। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, जब मेरी आंखें खुले तो तुम मुझे दिखने चाहिए, ठीक है? खोल रहा हूं मैं अपनी आंखें। बच्चे, एक तो तूने बिना अनुमति मेरे यान में घुसने की गलती की, और अब ये लुका छिपी का खेल। अब देख, मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। स्वीटी, हाँ है ना, तुम दोनों बहनें किसी भी जगह गलत समय पर कैसे पहुंच जाती हो? मैं भैया को सब बता दूंगी कि आप हमारे पापा नहीं है, एक एलियन है। एलियन? हाँ, असुर हूं मैं, और धरती पर एक अहम अभियान के लिए हूँ। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समझ आ रहा है ना बेटा? भैया का ब्रेसलेट क्या किया इस एलियन ने भैया के साथ? अपना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा भाई। इतना प्यार भैया, इतना प्यार मरते मरते भी अपने भाई को बुला रही है। भैया, और अफसोस तो ये है कि वो तुझे बचाने आ नहीं पाया। मेरा फोन और वॉलेट दे दो। तेरा है? हाँ, देता हूं अभी तुझे। अबे ये तो एलियन हो गया लड़। चल 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 चल। क्या है? मैंने मारा? मैं तो मर भी सकता था पर मरा नहीं।
तो सही पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। मार दूंगा किसी को भी। हीरो बेटा, हीरो इस रॉकी का असली टारगेट तू ही है। इस बार मारूंगा नहीं, तेरे नाम को मिटा दूंगा। ना हीलिंग बनने की जरूरत है, ना हीलिंग गैजेट की। अब रिंग चाहिए। जरा देखो पापा के कमरे में अनवांटेड गेस्ट था कौन। हजार वोल्ट की बिजली दौड़ रही है अंदर। सोर्स ऑफ पावर ड्यूड, इलेक्ट्रिक पावर है तेरा। मैं अनस्टॉपेबल नाउ रॉकी। खिलौनों की जरूरत नहीं है मुझे, ऊपर क्या कर रहे हैं? हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। इस वीर नंदा को उसी जगह चोट कैसे लगी जहां कल उस हीरो को लगी थी? अच्छा दिखाओ। पापा परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अपना ध्यान रखो बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हो वीर? मतलब चोट तो तुम्हें लगी है, तो पापा वो ये तो बस एक मामूली सी चोट। यहां लगी चोट? हाँ पापा, वो एक स्टंट के दौरान वो एक। वीर
छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताओ, बाप हूं मैं तुम्हारा। पापा ये बात मैंने अभी तक स्वीटी मीठी को भी नहीं बताई है। वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? सेट पे, रोड पे, वो सेट के बाहर, वो रोड पे, बस वहीं पे एक छोटा सा एक्सीडेंट। सेट पे, सेट के बाहर जो रोड है। हाँ वो भैया, वो आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करनी है, 2 मिनट आप आ सकते हो प्लीज? हाँ बता ना, मैं आता हूँ पापा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है? इस वीर नंदा का झूठ पकड़ने का कोई उपाय तो सोचना होगा। तेरे पास भी वही पावर्स हैं जो इन एलियंस के पास है या फिर उस हीरो के पास? Yes, mom. वो 2 कोड़ी का हीरो, उसकी वजह से हमारी फिल्म का इवेंट खराब हो गया था। दुनिया के लिए वो हीरो होगा, लेकिन माय गॉडजेस, मेरे लिए तो हमेशा से तू ही हीरो है। मेरे लिए भी कुछ भी कर सकता है तू, आफ्टर ऑल है तो तू मेरा ही बेटा ना। आप बताओ आपको क्या चाहिए? चिवनी की डायमंड रिंग। डिसाइड कर लो, टाइम लेके रिसर्च करके बता देना। चिवनी की रिंग चाहिए या फिर वो रॉयल नेकलेस चाहिए? हाय, पैसा कैसे बहाना है ये हम दोनों से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। और ये सब चीजें फ्री में मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाय, तू मेरा ही खून है, 200% मेरा बच्चा। क्या करंट तो नहीं लगेगा ना? मम्मा चेक कर लो। नहीं नहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग, तो वैसे भी थक गया होगा, पूरा दिन मेहनत करके आए। गो टेक अ शॉट। मैं आ गया तो। अरे रुक, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया तो जला दूंगा। तेरे डैड यहाँ पर होते ना तो बहुत खुश हो जाते। पता है सेट पर जनरेटर से नहीं तुझी से पावर लेते हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए। मॉम देखो ना, डैड ना कोई और, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये बात। आई होप यू अंडरस्टैंड, टॉप सीक्रेट। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया जस्ट अभी भी स्वीटी का मैसेज आया कि वो हमारे फ्रेंड दिनेश के साथ है। लिखो तुम अपने किसी दोस्त के घर आई हो, तुम्हारे गायब होने पर किसी को शक ना हो, थोड़ी देर के लिए ही सही। एक बाजी ऐसी है जिसे मैं पलट सकता हूँ तुम्हारा इस्तेमाल करके, इसलिए अभी तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। चल अच्छा है, स्वीटी के बारे में पता चल गया और पापा भी घर वापस आ गए। बट भैया प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि मैं भैया को कैसे बताऊं कि असली में तो कोई दिनेश है ही नहीं। मुझे तो कोई ठीक नहीं लग रहा, ये तो हमारा कोड वर्ड था रात को घर से स्नीक आउट करने का। पता नहीं स्वीटी कहाँ होगी। एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था बेटा, इतने सालों के बाद हम साथ में हैं, तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मैं अपनों को खोना नहीं चाहता। Promise you, Papa.
आज से मैं अपना और ज्यादा ख्याल रखूंगा। पापा आप किस काम से गए थे और रॉकी के साथ कहाँ गए थे आप? रॉकी मुझसे योगा और मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा था, तो उसे वही पता नहीं ले गया था। अरे बेटा याद आया, मेरी पेन ड्राइव यहीं कहीं गिरी है, तुम उसे ढूंढ दोगे? हाँ पापा, अभी ढूंढता हूँ। यहाँ कैसे आई? ये तो वहीं कहीं गिरी थी जहां धन से मेरी टक्कर हुई थी, फिर यहां घर में कैसे? अगर ये इसका है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वीर नंदा ही हीरो है। अगर ऐसा है तो धन इसके पूरे परिवार को खत्म करके इससे मायावी अंगूठी छीन लेगा। मेरा शक सही था, ये वीर नंदा ही हीरो है। रॉकी, शूट चल रहा है मूवी का, रोमांटिक सॉन्ग बजाओ बैकग्राउंड में। ये 2 रुपए की हरकतें छोड़ दिया कर, कि जो दिख गया तेरा है। तो चाटे पे चाटे मारूंगा, चलो। बाबा क्या बाबा, ब्लैक शीप मेरा है, चले जाओ, कूदो कूदो रूम में। वानर से मांगता, मना थोड़ी ना कर देता। तो वो कलाई बंद रॉकी का है, यानी वीर नंदा नहीं रॉकी है हीरो। मैं तो दे ही देता। वीर, मुझे कुछ काम याद आ गया बेटा, आता हूँ। आप पापा पर वो पेन ड्राइव, चू चू तेरा नाम से बेटा। पापा भैया कहाँ है? क्या हुआ? मुझे भैया से कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है स्वीटी के बारे में। आती हूँ। बेटी क्या हुआ स्वीटी? पापा पता नहीं स्वीटी कहाँ चली गई, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी, मुझे तो लग रहा है वो किसी डेंजर में पक्का। तुम्हें कैसे पता? कि देखे पापा, हाँ ये बताया था तुमने वीर को कि वो अपने दोस्त के घर गई है दिनेश के। पापा यही तो सारी बात है, दिनेश नाम का तो कोई दोस्त ही नहीं हमारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा स्वीटी ने मैसेज क्यों किया हमें, ये तो हम दोनों का कोड वर्ड था बाहर स्नीक आउट करने का रात को। मुझे बहुत टेंशन हो रही पापा। कोड वर्ड? हाँ पापा, मेरे को ना भैया को अर्जेंटली बताना पड़ेगा, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ पापा? ये कैसे हो गया? उप, अरे ये आवाज, क्या हुआ मीठी? मेरे से गिर गया भैया। तुझे चोट तो नहीं आई ना? मेरे भी बात हुई स्वीटी से फोन पे,
अच्छा क्या कहा उसने? दिनेश के घर कोई फंक्शन है, उसकी हेल्प कर रही है किचन में। दिनेश के घर पे कोई फंक्शन है तो वो उसकी मम्मा की हेल्प करा रही है किचन में। पक्का मैडम को केक बनाना मिल गया होगा। भैया वो दो दिन बाद आएगी। दो दिन बाद? क्यों? देखो दोस्तों से मिलने जाओ मैंने कभी मना नहीं किया है, पर ऐसे नाइट स्टे करना मैंने अलाउ भी नहीं किया है। और इस बार तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं। अभी के अभी उसे घर वापस बुलाओ। बहुत ढील दे दी है मैंने उसे। वीर, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? पापा पर ऐसे कैसे किसी के घर में जाके रह सकते हैं? This is not cool. तो तुम नहीं जाते अपने दोस्तों के पास, चाहे दिन हो या रात? अगर स्वीटी मीठी चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पापा, मैंने इन्हें कभी नहीं रोका है, और दिनेश को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अभी कभी स्वीटी को फोन लगा उसे। मेरी बात हुई है उसे, उसने तुमसे नहीं मुझसे पूछा है, और मैंने उसे अलाउ कर दिया। पर पापा। हाँ, पापा, पापा हूँ मैं तुम सबका, घर का सबसे बड़ा हूँ, तो इन्हें परमिशन देने का हक है मुझे, राइट? ठीक है पापा, अगर आपको ठीक लगता है तो। कभी कभी मुझे पापा का बिहेवियर समझ में ही नहीं आता है। सर ये कोरियर। ये रिपोर्ट कब से आई है? कुछ दिन हो गए सर। पापा तो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही होगी। ये कैसी रीडिंग्स है? इतना हाई ब्लड प्रेशर, इतनी फास्ट पल्स रेट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लिखा ही है। इनह्यूमन हार्ट बीट।